हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मी के मौसम का एक ऐसा डिश जो बनाने में बहुत ही आसान है, ब्रेड की कुल्फी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ब्रेड कुल्फी बनाना। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, मैं उसे गैस पर उबाल रही हूँ। दूध को मैं चमचे से हिला रही हूँ, इससे ये होगा कि ये दूध नीचे चिपकेगा नहीं। मैंने यहाँ एक ब्रेड ली है, इसके चारों तरफ के ब्राउन पार्ट को मैं अलग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ ओनली वाइट पार्ट लिया है जो सॉफ्ट है, और बाकी के ब्राउन पार्ट को अलग कर दिया है। इस तरह मैंने सारी ब्रेड की कटिंग कर ली है। दूध उबल रहा है, मैं इसे बार बार चमचे से हिलाती रहूँगी, इससे ये होगा कि दूध नीचे चिपकेगा नहीं। मैं इसे मध्यम आंच पर ही उबाल रही हूँ। सारी ब्रेड रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर रही हूँ। इसके छोटे छोटे पीस कर लिया है मैंने, और 2 से 3 ब्रेड एक साथ लेकर मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने ब्रेड को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, हमें इसे बारीक ही रखना होगा। ज़्यादा मोटा रहेगा तो ये कुल्फ़ी में अच्छा नहीं लगेगा। दूध उबल रहा है, दूध को बार बार चेक कर रही हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर ब्रेड का बुरादा डाल रही हूँ। मैं इसे धीरे धीरे करके डाल रही हूँ और बीच बीच में हिला रही हूँ, इसे एक साथ नहीं डालना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में 5 से 6 ब्रेड ली है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेड कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब जैसा आपको दिख रहा है, ये दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, ब्रेड इसमें मिल चुकी है। अब मैंने इसके अंदर 4 से 5 इलायची का पाउडर बना के डाल दिया है, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। और स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर काजू और बादाम के पीसेस डाल दिया है। अब मैं इन्हें मिला रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर 125 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ मेजरमेंट के लिए ग्लास लिया है, आप इसकी जगह कोई दूसरा कंटेनर भी ले सकते हो। मैं इसके अंदर 125 ग्राम चीनी और ऐड कर रही हूँ, मतलब 1 लीटर दूध में मैंने यहाँ 250 ग्राम चीनी ऐड की है, और आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब इसे मैं ढंग से हिला रही हूँ जिससे ये मेल्ट हो जाए। हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हमें इसे फ्रीज़ करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको कुल्फ़ी के साँचों के अंदर भरेंगे। इसे पूरी तरीके से भर देना है। अगर आपके पास कुल्फ़ी के साँचे ना हो तो आप इन्हें बाउल में भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ भरा है। और इसको ऊपर से फॉइल पेपर से मैं कवर कर रही हूँ, इससे ये होगा कि जब मैं इसे फ्रीज़ करूँगी तो इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी। और इसे अच्छे तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर देना है और चारों तरफ से चिपका देना है। अब बाउल के अलावा आप ग्लास भी ले सकते हो। सारे साँचों को हमने पैक कर दिया है, इनको अच्छे से कवर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कट कर रही हूँ,
अब कट करके जो आइसक्रीम स्टिक्स है इसके अंदर मैं डालूंगी। ऐसे करके मैं तीनों के अंदर डाल दूंगी। 5 से 6 घंटे बाद फ्रीज करने के बाद हमें मिलेगी बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फी। आप बताइए आपको खाकर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को देखते रहिए।